गाइस YouTube की तरफ से चार ऐसे अपडेट आ चुके हैं जिनमें से दोस्तों आप लोगों को कुछ अपडेट तो बहुत ज्यादा खराब लगने वाली है पर कुछ अपडेट आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। आप लोगों को इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है क्योंकि आपको पता है कि टाइम टू टाइम YouTube अपने भाई कुछ ना कुछ चेंजेस लाता रहता है YouTube में और आप लोगों को कुछ तो फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है पर दोस्तों आप लोगों के कुछ चीजों में बहुत ज्यादा घाटा झेलना पड़ता है। और आप लोगों को पता है कि अगर देखिए कोई अच्छी चीज आपके साथ आएगी तो कुछ ना कुछ बुरा भी होता है। तो आप लोगों को देखिए ये चार अपडेट उनको ध्यान से सुनना है क्योंकि जो YouTube ने ये चार अपडेट आपको दी है उनमें से दोस्तों आप लोगों को कुछ अपडेट काफी पसंद आने वाली है और काफी हेल्पफुल भी होने वाली है और कुछ अपडेट बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई है जिसका दोस्तों आप लोग के चैनल पे काफी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों के चैनल पे अभी के टाइम में दो फीचर दिए जाते हैं। आप लोग जब होम पेज पे जाते हैं तो जब आप वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको वहां पे एक तो रिसेंट वीडियोस का ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है आपको पॉपुलर वीडियोस का ऑप्शन। पर दोस्तों अभी बीच में क्या था, हमें तीन ऑप्शन वहां पे दिए जाते थे, एक तो था लेटेस्ट वाला, एक था पॉपुलर वाला और एक था ओल्डेस्ट वीडियो का। जिसमें क्या था, ओल्डेस्ट वीडियो पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा आपके चैनल की जो सबसे पहली वीडियो होगी वो लोगों को दिख जाएगी, ठीक है। पर दोस्तों बीच क्या हुआ, YouTube ने उस फीचर को हटा दिया, जो ओल्डेस्ट वाला था उसको हटा दिया और सिर्फ दो ऑप्शन को छोड़ दिया, एक लेटेस्ट और एक पॉपुलर। अब दोस्तों क्या हुआ, लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी कि YouTube ने इसको क्यों हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि अगर हम स्क्रॉल करके पूरा मतलब किसी के चैनल की पहली वीडियो को देखने जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे। अब दोस्तों सभी लोगों की डिमांड पे YouTube ने फिर से उसको लॉन्च करने जा रहा है YouTube, और अब वो आपको फीचर फिर से देखने के लिए मिल जाएगा, जो ओल्डेस्ट वीडियो का फीचर है वो अब फिर से वापस आने वाला है। तो ये है पहली अपडेट। अब दोस्तों दूसरी अपडेट की बात करते हैं, ये है दोस्तों हिंदी सपोर्ट, हिंदी चैट सपोर्ट आपको मिलने वाला है, वो चाहे ट्विटर हो, चाहे YT स्टूडियो हो, चाहे कुछ भी हो, आप YouTube से हिंदी में बात कर सकते हैं। और आप लोगों ने वीडियो भी देख ली होंगी शायद, काफी लोगों के ट्विटर पे दोस्तों ये चीज स्टार्ट भी हो चुकी है और आप लोग YouTube से अब हिंदी में भी बात कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी इंडिया में ज्यादातर लोग हैं वो हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज काफी लोग हैं वो नहीं जानते हैं। पर दोस्तों अब YouTube ने आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए इस चीज को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, आप लोग हिंदी में YouTube टीम से बात कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता है आपको ये YouTube पे भी मिल जाएगा और दोस्तों आप लोगों को ये ट्विटर पे भी मिल जाएगा, आप YouTube एंड ट्विटर पे दोनों पे आप लोग हिंदी में YouTube से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट मुझे काफी पसंद आई और आप लोगों को भी शायद ये वाली अपडेट काफी पसंद आई होगी। अब काफी लोगों का कमेंट आएगा कि हम YouTube से बात कैसे करें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में, तीसरी अपडेट आखिर क्या होने वाली है। आप जैसे ही आप अपने YouTube चैनल के होम पेज पर जाते हैं तो वहां पर आपको ऊपर की साइड बहुत सारे टैब नजर आ जाते हैं जिनमें से दोस्तों दो टैब ऐसे होते हैं जिनका नाम है प्लेलिस्ट एंड अबाउट सेक्शन। अभी के टाइम में आपके चैनल पे वो दो टैब नजर आते होंगे जहां पे एक में आपने जितनी प्लेलिस्ट बना के रखी है वो सारी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाती है, और अगर आप अपने चैनल के बारे में ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी यहाँ डालना है, कुछ भी लिखना है अपने चैनल के बारे में, वो सारा आपको अबाउट सेक्शन में देखने के लिए मिल जाता है। पर दोस्तों अब YouTube इन दो ऑप्शन को हटाने जा रहा है, ये दो टैब आपके होम पेज से गायब होने वाले हैं, प्लेलिस्ट वाला और अबाउट वाला, जो कि दोस्तों मुझे काफी बेकार लगा क्योंकि जो प्लेलिस्ट वाला और अबाउट वाला जो जहां पे दिया हुआ है वो वहीं के वहीं अच्छा लगता है, अगर वो दोनों हट जाएंगे तो हमारे चैनल का जो होम पेज है वो बहुत ही ज्यादा बेकार लगने लगेगा देखने में। और दोस्तों वहां पे जो प्लेलिस्ट और अबाउट वाला सेक्शन अब वो रिमूव होगा, तो अब आप लोग सोचेंगे कि प्लेलिस्ट और अबाउट वाला जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब YouTube कहीं और एडजस्ट करने वाला है, अब आपको जो प्लेलिस्ट वाला फीचर है और अबाउट वाला फीचर है वो आपको अब कहीं और सेट कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा जब भी ये लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों प्लेलिस्ट और अबाउट वाला हटा के वहां पर आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा जिसका दोस्तों नाम होगा न्यू रिलीजिंग। अब दोस्तों वहां पे क्या होगा, आप लोगों के चैनल पे कुछ भी नया रिलीज होगा वो आपका उस टैब के अंदर चला जाएगा, जैसे कि दोस्तों म्यूजिक वाले होते हैं वो टाइम टू टाइम नए म्यूजिक लॉन्च करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि उनका नया म्यूजिक आएगा तो वो न्यू रिलीजिंग वाले ऑप्शन में दिखाई देने लगेगा। ये हो गई दोस्तों हमारी तीन अपडेट। अब दोस्तों चौथी अपडेट के बारे में बात करते हैं, चौथी अपडेट दोस्तों ये होने वाली है कि अभी तक क्या था, आप लोगों को पता है काफी लोग एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा रहे हैं, काफी लोग यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल पे अच्छे व्यूज आते हैं वो अमेजोन के एफिलिएट मार्केटिंग से काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। वो लोग क्या करते थे, अपनी स्क्रीन पर ही एक प्रोडक्ट को टैग कर देते थे जिससे क्या था, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं होती थी,
आप लोगों को स्क्रीन पे डायरेक्ट एक प्रोडक्ट दिखता था, आप लोग सिंपली अगर उस पर क्लिक करते थे तो आप लोग डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे पहुंच जाते थे। पर दोस्तों अब क्या हो रहा है, अब यूट्यूब इस प्रोडक्ट वाले ऑप्शन को हटाने वाला है। अब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट को वहां से सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लिंक देना होगा तो आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पे वो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो अब आप लोग बताइए फाइनल कि आप लोगों को इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लगी, कौन सी अपडेट आप लोगों को बेकार लगी। क्योंकि दोस्तों इनमें से कुछ अपडेट है जो काफी बेकार है, जो कि मुझे लगी प्लेलिस्ट और अबाउट सेक्शन को हटाने वाली, ये अपडेट मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगी। आप लोगों को कौन कौन सी अपडेट बेकार लगी है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।